स्त्री और पुरुषों में मैं कोई भेद नहीं रखती, पर कहीं कहीं कुछ चीजें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसीलिए स्त्रियों को बुद्धत्व क्यों प्राप्त नहीं होता है, इस विषय में आप लोगों के साथ कुछ बातें कर रही हूँ। कहा जाता है कि स्त्रियों को बुद्धत्व उपलब्ध क्यों नहीं होती। इसमें स्त्रियों का नाम, नारियों का नाम बहुत कम ही आता है और पुरुषों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा साधु संत हुए, बहुत को बुद्धत्व उपलब्ध हुए। कोई कोई कहते हैं कि स्त्रियों में बुद्धि थोड़ी कम होती है, उनका जीवन तो इसी में ही गुजर जाता है कि अपने रूप रंग को सवरना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, इसी में ही इनको चिंता होती रहती है। हाँ होती है, कोई कोई की अपने रूप को बहुत ज्यादा महत्व देना, कपड़ों को बहुत ज्यादा महत्व देना, यह भी तो समाज ने ही तो सिखाया है। मैं नहीं कहती कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी है, पर यह भी नहीं है कि स्त्रियों को, नारियों को बुद्धत्व उपलब्ध हुई ही नहीं, वहाँ इस काबिल है ही नहीं, यहाँ सरासर गलत थे। शायद पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को बुद्धत्व उपलब्ध हुई हो, पर वे नहीं बोले, बोलना व्यर्थ है और उसके लिए क्या शब्द दे। पहले नारियों को पढ़ने की सुविधा नहीं थी, न शास्त्र की ज्ञान है न साहित्य की, तो उसे कौन से शब्द सजाकर बोले। नारियों को पिता के, पुत्र के और पति के संरक्षण में ही रहना पड़ता था। किसी को क्या पता, बहुत ऐसे घर भी हुए होंगे जहां पुरुष खुद को बुद्धिमान समझते होंगे, पर क्या जाने उस घर में सबसे ज्ञानी नारी ही रही हो और वहां चुपचाप से रही हो, क्योंकि जहां अहंकार ज्यादा होता है वहां बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि बुद्धत्व उपलब्ध होने के लिए पढ़ना, लिखना, शास्त्र को जानना, साहित्य को जानना, यह सब जरूरी नहीं है। हाँ, पुरुषों के पास यह सब सुविधा था, उनके पास शब्द था, उनके पास साहित्य था। जब बुद्धत्व उपलब्ध हो गए तो वे अनंत हो गए, अब वहाँ उनको सबको बांटना है। अब उनको सबका दुख का पता चल गया और वे सबका दुखों का अंत करने निकल पड़े। उनके लिए वहाँ बहुत बड़ी बात है बुद्धत्व उपलब्ध होना, ज्ञान को मिलना बहुत बड़ी बात है, पर नारियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो पहले ही मिट चुकी होती है, मिट जाने को पहले ही स्वीकार कर चुकी होती है और बुद्धत्व को भी आसानी से स्वीकार कर लेती है। बोल के क्या होगा, सब अपने मर्जी से उस ज्ञान को लेंगे। अलग अलग पुरुषों ने अलग अलग तरीके से बोलने के कारण बहुत लोग बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि सब कोई एक एक को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे का विरोधी बन जाते हैं, इसी के कारण वे सब वंचित ही रह गए। हम संसार को सुख देना चाहते हैं, दुख से मुक्ति करना चाहते हैं, बंधन से मुक्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिनको बंधन बंधन नहीं लग रहा है उसको मुक्ति का क्या पता, उसको ज्ञान देकर उसका अहंकार को बढ़ावा ही होगा। बुद्धत्व तो तभी उपलब्ध होता है जो दुखों से, संघर्ष से, पीड़ा से गुजरता है और उसे दुख मालूम होती है और बंधन बंधन मालूम होता है
और उसको स्वयं में ही सद्गुरु मिल ही जाता है, जो झुक सकता है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर प्रेम है, जो मिटने के लिए राजी है, उसको ही बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है। नारियों में यह सब गुण होती है, इसलिए नारियों को बुद्धत्व पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि नारी का जीवन ही तपस्या है। पुरुष ज्ञान के लिए, सत्य के लिए जो तपस्या करता है, जो कठिनाइयों से गुजरता है, घर परिवार छोड़कर त्याग करता है, वे सब नारियां घर परिवार में रहते हुए ही हर दिन के जीवन में करती है। उसके जीवन में त्याग हर दिन होती है, इसलिए वे बुद्धत्व को भी आसानी से ग्रहण कर लेती है। पर पुरुषों में करुणा, प्रेम, झुकाव, त्याग ज्यादा नहीं होती और मिट जाने के लिए राजी नहीं होते हैं। वहाँ मिटना नहीं चाहते, वहाँ बचना चाहते हैं। इसलिए उनको बहुत कठिन तपस्या, मेहनत करना पड़ा। इतना तपस्या के बाद, इतना साधना के बाद उनको यहाँ उपलब्ध हुए और उनके लिए यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है तो सारा जगत को देना ही चाहिए, इसलिए वहाँ बांटते चले गए। बहुत सारे स्त्रियों को बिन चाहे भी यहाँ मिल गए। बिना चाहना का अर्थ यहाँ है कि उन्होंने मुझे सत्य चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्धत्व चाहिए, ऐसा नहीं सोचा था, फिर भी उनको मिल गया, क्योंकि वे जीवन ही ऐसे जी रही थी, क्योंकि उनका जीवन ही भक्ति था, प्रेम था, करुणा था, तपस्या था, वहाँ खुद मीट के जीती थी। मुझे उतना पता नहीं कि मैंने कहीं पर सुना था कि बुद्धत्व उपलब्ध होने के लिए पुरुषों का शरीर चाहिए, पर यहाँ सरासर गलत है। नारियाँ भावनात्मक होती है, उनकी कमजोरी यही है कि वहाँ अपने परिवार वालों के लिए ज्यादा मोह ममता करती है। थोड़ा जल्दी ही भरोसा, विश्वास कर लेती है। उसके लिए परिवार वाले सब अपने होते हैं। खुद को मिटा कर भी उन लोगों में मन अड़ा कर रखती है। हर जगह से हार कर भी एक जगह मन अड़ा लेती है। बस थोड़ा सा क्षण ऐसा आया कि सबसे मन हटकर खुद में ठहर गया, तो वे ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि वे पहले से ही तैयार है। स्वीकार करने की क्षमता, मिट जाने की क्षमता, प्रेम और करुणा और थोड़ा सा ठहराव, इतना जिसके जीवन में है, उनको ज्ञान उपलब्ध हो ही जाएगा। सरल है इसलिए ही बहुत कठिन मालूम पड़ता है, क्योंकि बहुत ने इसको बहुत कठिन बनाकर प्रस्तुत किया है। जितना कठिन है, कुछ पाने के लिए वहाँ चीज पुरुषों को आकर्षित करती है, वहाँ मेहनत कर कर पाना चाहते हैं। जब तक हम पाना चाहते हैं, तब तक कुछ नहीं मिलता। जब हम खोना सीख जाए, तभी मिलता है। नारियों को अपने लिए बहुत मेहनत करना, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पसंद नहीं है। ज्यादातर पर वे अपने परिवार के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, तो वहाँ बहुत बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर लेती है। इस सामना में, इस कठिनाइयों में एक बात यहाँ है कि वहाँ खुद को बचाकर सामना नहीं करती,
खुद को मिटाकर सामना करती है। पुरुष भी मेहनत करता है, स्त्री भी मेहनत करती है। पुरुष खुद को बचाकर मेहनत करता है, स्त्रियां खुद को मिटाकर मेहनत करती है। जो पहले से ही मिट गई हो किसी और के लिए, बस उसको थोड़ा सा ठहराव और थोड़ा सा मनन चिंतन की जरूरत है। नारियां खुद को मिटाकर मेहनत करती है और वहां पा लेती है, क्योंकि उसका जीवन का मेहनत ही एक तपस्या बन गया है। और पुरुषों में भी यहाँ गुण विकसित होने लगा, तभी वहाँ बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं। इसलिए बहुत से महापुरुषों ने कहा है कि स्त्रीण गुण जो सब कुछ खोता जाता है वही पाता है, और जो खुद को भरता जाता है वहाँ सब कुछ खोता ही जाता है। बहुत नारियां भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, उनको ज्ञान मिल गया, वे सत्य को जान गए, फिर भी वे चुपचाप ही यहाँ से चले गए, कुछ नहीं बोले, उनको बोलना ही व्यर्थ लगा। ऐसा रहे कि उन्हें कुछ भी पता ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, अज्ञानी के तरह जी कर भी चले गए। और बहुत को ऐसा भी लगा कि अहंकार के सामने क्या बोले, अहंकार से फूले हुए हैं, सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। वहां पर सत्य जितना भी बड़ा हो वे रखने से भी कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ है, इसलिए नहीं बोले। और हम बहुत कम ऐसे नारियों का नाम सुनते हैं जिन्होंने सत्य की बारे में, ज्ञान की बारे में चर्चा की, बातें की। और हम गिनती में गिनने जाए तो हर जगह पुरुषों का ही नाम सुनने को मिलता है। पुरुष ही ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, सत्य की बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, और भक्ति की भी बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि नारियां तो इन सब बातों में पढ़ते ही नहीं, वे लोगों के पास तो इन सब के लिए फुर्सत ही नहीं है। पर ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने गिनती में नहीं गिनवाया खुद को, वे पूर्ण मुक्त हो गए और चले गए।